हेलो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास में रोटेशनल मोशन में टॉर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है अ यूनिफॉर्म रॉड इज हेल्ड होरिजोनटल विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग वन एट ईच एंड इफ वन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रिंग इज सडनली कट दोनों में से एक स्ट्रिंग को हम कट कर देते हैं द रॉड स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिमेनिंग स्ट्रिंग ओके डिटरमाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इमीजिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट ओके तो यहाँ पर हमारे पास में ये आ, हमने एक सपोर्ट लिया है और यहाँ पर सपोर्ट की हेल्प से दो स्ट्रिंग की हेल्प से हमने एक रॉड को हॉरिजॉन्टल रखा है ओके okay. अगर हम इस सेकेंड वाली स्ट्रिंग को कट कर देते हैं ओके okay. तो ये रॉड जो है इस एक एंड के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी है ना इसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी तो हमको उसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना डेफिनेटली इसके ऊपर अगर हम वर आ, फोर्स की बात करें तो इसके सेंटर पर एक फोर्स लगेगा दैट इज़ इक्वल टू एम जी ओके और उस एम जी का पॉइंट ऑफ दिस रोटेशन जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा है जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो एल बाई टू होगा तो अगर हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं दैट इज़ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू एम जी हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू होगा और मोमेंट ऑफ एनर्जी कितना होगा एम एल स्क्र डिवाइडेड बाई थ्री एक रॉड का मोमेंट ऑफ एनर्जी एक एंड के अबाउट कितना होता है एम एल स्क् बाई थ्री अल्फा एज इट इज़ हम लिखेंगे एम से एम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं एल से एक एल कैंसिल कर सकते हैं और अल्फा का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा थ्री बाई टू एल इंटू ओके okay? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत इजीली समझ सकते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली बोर्ड जेई नीट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थैंक यू वेरी मच